बरमाणा में एसीसी सीमेंट कंपनी के खिलाफ बिटिया फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा संख्यान स्थानीय जनता के साथ अनिश्चितकाल धरने पर बैठी। एसीसी सीमेंट कंपनी के विस्थापित एवं प्रभावित जनता जो कई वर्षों से एसीसी सीमेंट कंपनी से प्रताड़ित है, पिछले सप्ताह बिटिया फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा संख्यान एवं स्थानीय जनता उपायुक्त महोदय बिलासपुर से अपनी मांगों को लेकर मिले थे और उनको अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन देकर अवगत करवाया, जिसमें अपनी मांगों का समाधान करवाने के लिए 4 दिन का समय दिया था। जब 4 दिनों में कोई जवाब नहीं आया तो बिटिया फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा संख्यान एवं बरमाणा की विस्थापित एवं प्रभावित जनता ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया और 1 सप्ताह का समय फिर दिया, लेकिन प्रशासन और एसीसी सीमेंट कंपनी के पदाधिकारियों के कानों में ज्यों तक नहीं रेंगी, जिसके परिणाम स्वरूप बिटिया फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा संख्यान और बरमाणा की विस्थापित एवं प्रभावित जनता के साथ अनिश्चितकाल धरने पर बैठना पड़ा। सीमा संख्यान ने कहा कि एसीसी सीमेंट कंपनी ने बरमाणा, पंचकाई, धोलकोटी और यहाँ की 7 लगती पंचायतों के कूड़े के भाव जमीनें खरीद ली, जिसके मुआवजे से ना तो और जमीन ही खरीदी गई, ना ही घर बना पाए। कुछ लोगों को छोड़कर ना ही यहाँ के लोगों को नौकरी दी जाती है, ना ही कोई और रोजगार यहाँ के लोगों के पास है। जो थोड़ी बहुत जमीनें लोगों के पास बची हैं, वहाँ जब लोगों ने अपने घर बनाए और खेती करने जाना पड़ा तो एसीसी सीमेंट कंपनी के पदाधिकारियों ने इन लोगों के रास्ते ऊंची दीवार लगाकर बंद कर दिए हैं। आज यहाँ के नौजवान बच्चे पढ़ लिख कर अपने घरों में बैठे हैं, उनको कोई रोजगार एसीसी सीमेंट कंपनी की तरफ से नहीं दिया जाता है, जब बाहरी राज्यों से लोगों को रोजगार दिया जाता है। इसी वजह से आज के नौजवान नशे की चपेट में आ रहे हैं। सीमा संख्यान ने कहा कि मैंने खुद देखा है कि एसीसी सीमेंट कंपनी में कुछ दिनों पहले लगभग 10 से 15 लड़कियों की भर्ती एसीसी सीमेंट कंपनी ने की, लेकिन एक भी लड़की यहाँ की नहीं है। यहाँ की क्या हिमाचल प्रदेश की भी नहीं होगी? यहाँ की लड़कियों के पास योग्यता नहीं है क्या? सिर्फ बाहरी राज्यों की लड़कियां या एसीसी सीमेंट कंपनी के पदाधिकारियों के मूलक की लड़कियां या लड़के काबिल हैं क्या? प्रशासन एवं एसीसी सीमेंट कंपनी के पदाधिकारियों को इसका जवाब देना ही होगा। सीमा संख्यान ने कहा कि एसीसी सीमेंट कंपनी से इतना ज्यादा खतरनाक प्रदूषण निकलता है, जिसे यहाँ के विस्थापित एवं प्रभावित जनता भयानक बीमारियों की चपेट में आ रही है। अगर आज भी यहाँ की जनता का सर्वेक्षण करवाया जाए तो आधे से ज्यादा लोग भयानक बीमारियों की चपेट में निकलेंगे। उन्होंने प्रशासन और एसीसी सीमेंट कंपनी के पदाधिकारियों को ये चेतावनी दी है कि अगर उनकी इन मांगों को नहीं माना गया तो इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। बरमाणा, पंचकाई, धोलकोटी और यहाँ की 7 लगती पंचायतों की विस्थापित एवं प्रभावित जनता अपने हकों को लेने के लिए अब जाग चुकी है। आज बिटिया फाउंडेशन संस्था और बरमाणा के स्थानीय लोग अनिश्चितकाल धरने में बैठ गए हैं। कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि एक मांग पत्र जो है अपनी मांगों को लेकर हम लोग बीसी बिलासपुर के सामने पेश हुए थे। वहाँ पे हमने ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगे रखी थी और 4 दिन का समय दिया था कि 4 दिन में जो है हमारी मांगे पूरी करी जाए, कि बहुत सालों की समस्याएं थी और उसके बाद नहीं तो हम धरने पे बैठे गए। 4 दिन में हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, उसके बाद हम लोगों ने एक सांकेतिक धरना भी दिया 2 घंटे का और 1 हफ्ते का टाइम दिया था, लेकिन उस 1 हफ्ते में भी हमारी मांगों को सुना नहीं गया और प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रही। आज बिटिया फाउंडेशन संस्था और यहाँ के बरमाणा के स्थानीय लोग अनिश्चितकाल धरने पर बैठे हैं और हम एसीसी के मेन गेट बरमाणा चौक पे आज से हमने 12:30 बजे से धरना शुरू कर दिया है। और धरने पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ की महिलाओं ने एक निर्णय लिया कि हम लोग बैठेंगे, क्योंकि नारी शक्ति जो भी ठान लेती है वो करके दिखाती है। तो आज यहाँ की महिलाओं ने ठाना है कि चाहे कितने भी दिन लगे लेकिन अपनी मांगों को हम मंगवाएंगे और धरने पे बैठे रहेंगे दिन रात। और हमारे साथ, हम महिलाओं के साथ अगर इस धरने पे बैठे हुए कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। और मैं बताना चाहूँगी हमारी 4 मांगे हैं जिनको लेके हम लोग धरने पे बैठे हैं। हिमाचल प्रदेश में सस्ता समय दूसरे राज्यों के दूसरे राज्यों में सस्ता है और हिमाचल में महंगा है।
हमारे युवाओं को नौकरी, यहाँ के पोल्यूशन को, एसीसी से निकलने वाला जो धुआं है और पोल्यूशन है उसको रोका जाए, और चौथा जो आपने यहाँ पे दीवारें दी है उनसे जो लोगों के घरों को जाने की परेशानी हो रही है उन दीवारों को हटाया जाए। ये चार हमारी मांगे हैं जिन मांगों को लेके हम लोग आज धरने पे बैठ चुके हैं, और ये धरना अभी कितने दिन चलेगा ये तो वक्त ही बताएगा।